नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज ना हम लेयर्स के बारे में सीखेंगे। लेयर्स जो होती है, इलस्ट्रेटर हो, फोटोशॉप हो या अडोबी एक्सडी हो, कई सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, उनके अंदर लेयर्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू होती है, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं लेयर्स। कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को आसानी से, बहुत ही आसानी से यूज़ कर पाएँ, मतलब समझ पाएँ कि कैसे कैसे हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। अब कई बार लेयर्स में जो है ना, हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को अलग अलग रख सकते हैं और उनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो कि हम ऐसे अगर हम एक ही बार में सब कुछ बना लें और लेयर्स में ना अरेंज करें तो हम उसको नहीं कर पाएंगे, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है हम उस काम को कर पाना। या फिर हमने मान लीजिए एक पेज पे 100 आइकन्स बनाए हैं और वो 100 के 100 आइकन्स अगर हम एक ही पेज पे रखेंगे तो एक ही पेज पे रह जाता है, लेकिन आप उनको अगर लेयर्स में अरेंज करते हैं तो इंडिविजुअली हर आइकन को आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल होने वाला है जिससे आप लेयर्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही डीप और अच्छी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इसको। बहुत ही सारी चीज़ों को मैं लेयर्स के बारे में कन्वर्ट जो भी होती हैं उन सबको कवर कर लूँगा इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले हम वेब लार्ज के नाम से एक वो मतलब कि शीट ले लेते हैं। अगर आपको न्यू फाइल लेनी हो तो आप यहाँ पे आए न्यू में आकर के, और ये इसका तरीका होता है। अब आप जैसे ही इसके अंदर आते हैं तो यहाँ पे वेब आता है। वेब में आप देख लीजिए कई सारे, ये प्रिंट है, ये वेब है। वेब में यहाँ पे कई सारे साइज दे रखे हैं, आप इसको क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसकी जो बाय डिफॉल्ट डायमेंशन होती है वो ये होती है। तो आप इसको एक बार ध्यान दे लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत ही काम आएगा ये। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मैंने इसका साइज लिया है, अब मैं इसको यहाँ पर से जो भी ये साइज है मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे क्रिएट किया है ना, तो ये देखिए हमारे पास एक शीट आ गई जो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की साइज की है पूरी की पूरी। अब लेयर्स के साथ हम कैसे वर्क करते हैं ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब देखिए हमने ये सारे के सारे टूल बार्स आपको बता रखे हैं कि आप किस तरीके से इनका यूज़ कर पाते हैं। बहुत ही अच्छा टूल है जितना भी है यहाँ पे, और इन सब के बारे में टूल बार्स की सारी वीडियोस के लिंक जो है, मतलब पूरी प्लेलिस्ट है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें पूरे आपको इलस्ट्रेटर के बारे में पता लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये एक बॉक्स है सिंपल। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक कलर भर लेता हूँ। तो 06F60F कोई भी कलर ले लेते हैं, या फिर आप कोई भी अच्छा सा कलर ले लीजिए। मैं यहाँ पे वायलेट कलर लेना पसंद करूँगा अभी, तो ये मैंने एक वायलेट कलर लिया। अब मैं इसकी स्ट्रोक को यहाँ पर से आकर के इसको नन कर दूंगा। देखिए बेसिक है, कुछ कन्फ्यूजन है, इतने हिस्से में नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद इस टूल से हम कुछ नया कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए सारा कुछ तो है ही, बट मैं यहाँ पर से इस चीज़ को थोड़ा सा निकाल देता हूँ इस टाइप से, और ये वाला जो हिस्सा है इसको भी यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की साइड निकाल देते हैं, समथिंग लाइक दैट। और ये जो हिस्सा है ना, इस वाले हिस्से का, इस वाले टॉप को मैं थोड़ा सा राउंडेड कर लेता हूँ लाइक दिस। तो एक बेसिक सी शेप है ये, कुछ एडवांस नहीं है जो आप कंफ्यूज हो जाएं। और इसको मैं थोड़ा सा और बाहर निकालना चाहिए मेरे को, यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से, और ये आपको इन सभी टूल्स के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है कि आप किस तरह से इनका यूज़ कर पाते हैं। लेकिन अब क्या होता है, ये एक सिंपल सा बॉक्स है। अब इसके बाद मैं इसकी एक ऑल्ट के साथ इसको खींच के ला रहा हूँ और इसकी एक कॉपी बना दी मैंने। अब इसको मैं यहाँ से यूं करके रोटेट कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दैट। ओके, रोटेट करने के लिए मैंने क्या किया, ऑल्ट दबाया है और इसके बाद मैंने इसको इस तरीके से घुमा लिया है। ओके, ऑल्ट की प्रेस्ड है। अब जैसे हमने इन दोनों चीज़ों को बनाया, इसके बाद मैं इसको साथ में रख देता हूँ और ये एक अलग ही चीज़ आ गई। अब ये क्या हो गया, ये एक सिंपल सा कहते हैं कुछ भी है ये। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक और बॉक्स लेते हैं, और बॉक्स में ना हम यहाँ पर से इस तरीके से कुछ स्टैंड टाइप के बना लेते हैं। अब ये जो है इसका हम कलर रख देते हैं ब्राउन सा कुछ। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको कई सारे कलर्स जो हैं स्वाचेस में मिल जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे।
तो बहुत सारे कलर्स हैं। ओके अब हम इसको बंद कर लेते हैं वापस, और ऐसे ही करके हमने दो बना लिए, समथिंग लाइक दैट। और जैसे ही हम इस चीज़ को बना लेते हैं ना, तो हमारे पास कुछ भी अभी नहीं है, बट अभी ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हम बना रहे हैं, कुछ एडवांस नहीं है ये, आपको इसके बारे में पता होगा। तो अभी हम यहाँ पे देखिए ये और ये अलग अलग तरीके से हैं। अब काम आता है हमारा लेयर्स का। तो अब इतना हमने कुछ भी ड्रॉ किया है, ये एग्जांपल के लिए ड्रॉ किया है हमने, कुछ एडवांस नहीं है कि आप सोचें कोई डिज़ाइन है। अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं ये लेयर्स में। ओके अगर आपको ये लेयर्स का पैनल यहाँ पे नहीं मिलता तो आप विंडो के अंदर आएंगे, विंडो के अंदर आने के बाद आपको लेयर मिलेगा यहाँ पे, इसमें आप देखेंगे F7 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके ये विंडो, उसके बाद नीचे आएंगे आप, यहाँ पे लेयर्स मिलेगी। ओके तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। तो मैं F7 प्रेस करके दोबारा से लेयर्स को कॉल कर लेता हूँ, तो ये मेरा लेयर्स जो है यहाँ आ गया। अब क्या होता है कि हमारे पास ये प्योर डिज़ाइन है, इसके अंदर हमारे कई सारे ऑब्जेक्ट्स बने, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो। ओके ये देखिए कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मेरे को क्या करना है, हाँ मेरे को यहाँ पे न्यू लेयर लेनी है, और जिसके अंदर मैं हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग रख पाऊँ। अब क्या होता है, मेरे को एक ही लेयर के अंदर ये नहीं रखना, बल्कि मेरे को इसको अलग लेयर में चाहिए, इसको अलग लेयर में, इसको अलग लेयर में, इसको अलग लेयर में। बाय डिफॉल्ट तो ये है ही अलग लेयर में, बट तब भी। तो हम नीचे आएंगे, यहाँ नीचे आने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है क्रिएट न्यू लेयर। अब हमने यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर किया, तो अब ये देखिए एक लेयर आ गया। अब इसमें से हम इस चीज़ को अगर पिक करते हैं, इस चीज़ को हम पिक करते हैं और इसके हम यहाँ से ला करके इसमें डाल सकते हैं, बाय डिफॉल्ट है, कोई कन्फ्यूज़न है। अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे वायलेट कलर वाले जो है हमारे इस वाले के अंदर आ गए, ब्राउन कलर वाला जो है हमारा इसके अंदर आ गया। अब देखिए अब क्या होता है, मेरे को चाहिए कि ये जो ब्राउन वाले हैं ये इसके बॉटम पीछे चले जाएं। अब एक ऑप्शन तो ये होता है कि आप इनको यहाँ पर क्लिक करें, दोनों को एक साथ पकड़ लीजिए और राइट क्लिक करके अरेंज करके आप इसको बैक कर दें। ओके तो ये देखिए नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो इस लेयर के अंदर नहीं है। बट अगर आप इसी लेयर को पिक करके नीचे ले आते हैं तो वो अपने आप चले जाता है। तो ये है लेयर्स का काम। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमें इनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना भी है। अब देखिए क्या होता है, मेरे को चाहिए कि ये जो है ना, ये जो पार्ट है, ये पार्ट और इसके बीच में ये पार्ट, अब इसके नीचे ये बीच में एक छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है, मेरे को इस पार्ट के अंदर ही शो कराना है इस ब्राउन को, बाकी मुझे नहीं शो कराना, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और साथ में इसको क्लिक करता हूँ। अब मैं जैसे ही इन दोनों को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आने के बाद आपको मिलता है मेक क्लिपिंग कंपाउंड या फिर मेक क्लिपिंग मास्क। तो ये देखिए ये जो है हमारा इस तरीके से बन गया। कन्फ्यूज़न इस बात की है कि हमने ये राइट क्लिक से किया, अगर आप लेयर्स के ही हिसाब से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मेक रिलीज क्लिपिंग पाथ। मैं आपको थोड़ा डीप में बताता हूँ, तो ये जो है हमारा लेयर्स ये यहाँ पे ऑप्शन देता है, तो आप इस चीज़ को पिक कर सकते हैं। बट ये जो है आपको अभी इसीलिए कन्फ्यूज़न कर रहा है क्योंकि ये अलग अलग लेयर्स के अंदर है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं इस वाले पार्ट को पिक कर लूँगा और इसको पिक कर लूँगा, मतलब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और इन दोनों को पकड़ के फिर मैं इस वाले क्लिपिंग कंपाउंड को मेक क्लिपिंग मास्क कर देते हैं। तो ये देखिए ये जो है हो गया। बट बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम ये आती है कि ये यहाँ पे जो हिस्सा है ये मतलब कि शो नहीं हुआ। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो क्या करेंगे हम इसके लिए, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप इन दोनों को क्लिक कर लीजिए लाइक दिस। ओके और इसके बाद आप इस पे कंपाउंड मास्क पे क्लिक कर दीजिए।
अभी ये देखिए, इसने वर्क इसीलिए नहीं किया क्योंकि इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से निकाल देता हूँ और बाहर कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं न्यू लेयर लेता हूँ और इसके अंदर मैं इसको डाल देता हूँ। ओके अब ये देखिए, ये है और ये है। अब साथ में इसमें भी दो कंपाउंड्स हैं, तो मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ और इसके अंदर मैं इस वाले के जो एक पार्ट है, ये देखिए यहाँ पे आप आँख इसकी बंद करके देख सकते हैं कि कौन सा वाला है, इसको आप विजिबल कर रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। अब ये जैसे ही हम क्लिक करते हैं, इसके बाद हम क्लिक करेंगे, तो ये देखिए वो जो पार्ट है वो आपका ब्लू में आ गया। अभी बात इसीलिए पूरी नहीं होती क्योंकि अब मैं आता हूँ यहीं पे, इसको मैं थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ। अब देखिए, अब आप इस वाले पे इसको क्लिक करेंगे तो वो ब्राउन वाला आ गया। मतलब जो लेयर ऊपर होगी वो वाली जो लेयर है वो वाली गायब हो जाएगी और जो नीचे वाली लेयर है उसका पार्ट शो करा देगी। तो ये यहाँ पे वर्क करता है, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। तो लेयर्स का ये काम है। अब क्या दूसरा काम क्या है कि अगर हम इसको यहाँ से हाइड करते हैं, ये देखिए इनमें आई बने हुए हैं आइकन्स, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लेयर गायब हो जाती है। ओके ये सब में आई के डॉट्स हैं, तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो बंद हो जाती हैं, ये भी बंद हो जाते हैं, ये भी बंद हो जाते हैं। ओके और इस तरीके से ये सारे बंद होने लगते हैं। तो अभी आपको क्या समझना है क्या नहीं समझना वो भी आपको इम्पोर्टेंटली मैं बता देता हूँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर आया और मैं इस लेयर को पिक करके कुछ भी करने लग गया। अब मैं चाहता हूँ इसका काम ऐसे नहीं होना चाहिए, मैं इसको नहीं छेड़ना चाहता, मैं इसी पर वर्क करना चाहता हूँ, बट मैं यहाँ से इसको कैसे पिक करूँ। अब देखिए बीच में ये आ गया, अब मेरे को यहीं से वो पिक करना है इस वाले को, यहाँ पे क्लिक करके नहीं बल्कि यहीं पे क्लिक करके। तो अब आप क्या करेंगे, कन्फ्यूज़न है ना, तो आप इस वाले को पकड़ेंगे और यहाँ से आप इसको लॉक कर देंगे। देखिए आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक लॉक का बटन आ जाता है, ये देखिए। तो अब मैं इसको यहाँ पर से लॉक कर देता हूँ। अब मैं इसके बाद इस फाइल को यहीं से छेड़ सकता हूँ, इसको यूज़ कर सकता हूँ। ऐसा कई बार होता है जब हम कोई बड़ा सा डिज़ाइन बना लेते हैं तो उसके ऊपर कोई चीज़ ओवरलैप कर रही होती है, तब ये काम आता है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। अब इसी के साथ हम एक और चीज़ के बारे में आपको बता देते हैं। अब मेरे को हर एक पार्ट को ना इंडिविजुअली एक्सपोर्ट करना है। तो मान लीजिए ये वाली जो लेयर है, इस वाले में भी कुछ भी नहीं है, मे भी है ना, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अब मेरे को इन सबको अलग अलग एक्सपोर्ट करना है। और अगर मैं ऐसे ही करके सेव करता हूँ यहाँ पर एक्सपोर्ट करके, तो देखिए वो जो हैं ये सारे के सारे एक्सपोर्ट नहीं होते, मतलब अलग अलग नहीं होंगे या फिर कुछ अलग ही तरीके से होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करें, तो आपको ये भी बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो इसमें ये सारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मेरे को इंडिविजुअली हर एक पार्ट को अलग अलग एक्सपोर्ट करना है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। आप इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करें, अगर आपने सारा कुछ लेयर्स में बना रखा है तो ये आपके ज़रूर काम आएगा। उसके बाद आपको यहीं पर एक ऑप्शन मिल जाता है कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट। देखिए यहाँ पर थ्री लेयर्स हैं, उसके बाद इसने बताया थ्री लेयर सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट, मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो देखिए एक ऑप्शन खुल के आ गया एसेट्स एक्सपोर्ट, जिसमें ये इंडिविजुअली हर एक चीज़ को एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। अब देखिए क्या होता है कि हम ना एंड्रॉयड के आइकन्स बना रहे होते हैं या फिर iOS के बना रहे होते हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है, क्योंकि एक छोटी सी स्क्रीन होती है, एक बड़ी स्क्रीन भी होती है। तो 1x जो है वो छोटी स्क्रीन है, एक है 2x जो बड़ी स्क्रीन है, 3x जो है वो और भी बड़ी स्क्रीन है। तो मेरे को सबके लिए चाहिए ना डिज़ाइन, तो अब मैं क्या करूँगा, अब आप ये सोच रहे होंगे। तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ पे एक तो ये हमारा जो बाय डिफॉल्ट साइज़ है ये उसमें हो रहा है, बट अब मेरे को एक 2x में चाहिए, तो अब मैं ऐड स्केल करता हूँ और यहाँ पर ये जो है 2x में है, और यहाँ पे इसका जो ये है इसमें लिखा आ रहा है ये 2x साइज़ है, और इसी के साथ मैं एक और ले लेता हूँ, इसमें आता है ये 3x। अब जो भी होगा ये साइज़ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x में। आप इस चीज़ को देखिएगा, यहाँ पे ये जो है जो दूसरा हमारा स्केल होगा वो दूसरा 2x में होगा, उसके बाद एक 3x है, उसी एक का जैसे तीन होता है, तीन या नौ, फिर ऐसे करके
जो होते हैं ना चेंजेस, तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई करते हुए अपने आप स्क्वायर बना के कर लेता है। तो ये एंड्रॉयड के लिए होता है, या वो एंड्रॉयड के लिए ये चल रहा है और उसके बाद आईओएस के लिए जो है वो ये है। तो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट्स आपको दे देता है। तो अब मैं क्या है कि अभी एक्सपोर्ट कर लेता हूँ आईओएस के लिए। तो मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ ओके। अब जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे को एक ऑप्शन दे देता है कि आपको कहाँ पर इसको सेव करना है। तो मैं यहाँ डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, उसमें लिख देता हूँ शेप्स ओके। अब मैं यहाँ पे आकर के इस वाले को सिलेक्ट फोल्डर कर लेता हूँ। अब हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास डेस्कटॉप पे एक फोल्डर मिल जाता है शेप्स के नाम से। अब देखिए यहाँ पे आप 1x में आएंगे, 2x में आएंगे, तो देखिए इसका साइज जो है इतना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। अब हम इसी चीज़ को 2x में देखेंगे तो उसका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है। अभी देखिए 100% पे आया हूँ मैं, यहाँ पे देखिए 100% मैंने इसको कर दिया तो इसका साइज़ ये है, उसी की मल्टीप्लाई हो गई। अब इसी में मैं 3x में आता हूँ, ये देखिए अब मैं यहाँ पे 100 पे क्लिक कर देता हूँ तो इसका साइज़ एक अलग साइज़ हो गया। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं ना कि किस तरीके से काम कर रहे। आप यहाँ पर देखिए मैंने इसको यहाँ से 100% किया है ओके। ये जो है 100% करने के लिए है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं, आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि आखिर ये किस तरीके से हो रहा है। तो इनकी जो साइजिंग है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है जब आप इस चीज़ों को बना रहे होते हैं। तो हमने इन सभी चीज़ों को इंडिविजुअली जो है अपना एक्सपोर्ट करना बता दिया कि किस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड्रॉयड के अंदर भी ये सारी चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली आपको हर उसके हिसाब से बना करके दे देगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसका ये एक फ़ायदा है जिसको आप आसानी से यूज़ कर पाएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नए फीचर्स हैं ये, तो आप इन सभी चीज़ों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत काम आएंगे। इसी के साथ यहाँ पे और भी ऑप्शन देते हैं आपको, जनरेट सिंगल एसेट्स, उसके बाद मल्टीपल एसेट्स, तो आप इन पर क्लिक कर सकते हैं। तो इसके बाद इसी का एक मल्टीपल ऑप्शन आ जाता है। अब आप इसको और भी अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट करने में एबल हो जाएंगे। और साथ में इसमें लिस्ट व्यू, ग्रेड व्यू का ऑप्शन है, तो आप इस चीज़ को भी एक बार देख लीजिएगा। फॉर्मेट सेटिंग्स के अंदर इसी में ऑप्शन दे देता है ये कई सारे, तो यहाँ पे कई सारे जो उसकी कलरिंग्स है वो सारा कुछ इसी के अंदर है, तो आप इन सबको भी एक बार देख सकते हैं। स्मॉलेस्ट फाइल साइज है PDF का, तो आप इन सब की सेटिंग्स को भी देख सकते हैं, बहुत ही काम आते हैं ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे ये एक ऑप्शन है लॉन्च द एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन डायलॉग, तो अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक एक्सपोर्ट ऑल सीन का एक ये जो है बन के आ जाता है। अब आपको करना क्या है, आपको सारे के सारे सिलेक्ट करने हैं शिफ्ट के साथ, उसके बाद एक्सपोर्ट कीजिएगा। हो सकता है कि आपने कोई सिलेक्ट नहीं किया हो तो प्रॉब्लम हो जाए। और यहाँ पे अगर आप आर्ट बोर्ड बनाते हैं तो भी एक ऑप्शन आता है, तो आर्ट बोर्ड जो है हमने बताया था कि इस टूल से आप ले सकते हैं। इससे हम क्या है कि एक इंडिविजुअल पार्टिकल को ले सकते हैं, लेकिन एक आर्ट बोर्ड भी हम बना सकते हैं इस तरीके से, जो आपका एक साइज़ के हिसाब से होगा, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। तो अब आप यहाँ पर एक्सपोर्ट में आते हैं समथिंग लाइक दैट, तो ये जो है एक डायलॉग के अंदर आर्ट बोर्ड जो है वो सेकंड वाला भी आ जाता है, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, बहुत ही काम आएंगी ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप लेयर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आया समझ आपको कि कैसे लेयर्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अभी आपको उतना समझ इसीलिए नहीं आया होगा क्योंकि हमने इससे कुछ बनाया नहीं, क्योंकि जब आप इससे कुछ बनाने बैठते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्ञान निधि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।